हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जो कि दोस्तों आपकी DSSB की ओर से निकाली गई है। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हम इस चैनल पे सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ देते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की ओर से निकाली गई, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से आपकी वैकेंसी आई है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ तौर पे आपको बता दिया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन होगा वो दोस्तों आपको कैसे, मतलब कि कौन किस माध्यम से एक्सेप्ट होगा, तो ओनली ऑनलाइन माध्यम से ही आपका जो फॉर्म होगा वो आप लोगों का एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है दोस्तों वो है आपकी 17 अगस्त है दोस्तों, ठीक है। और जो क्लोजिंग डेट बताई गई, तो क्लोजिंग डेट दोस्तों 15 सितंबर को दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर 5 पे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, पोस्ट कोड का नाम है 36/23 दोस्तों, ठीक है। किस चीज़ का पोस्ट निकाला गया दोस्तों आपका DSSB में, तो सर्विलांस वर्कर का निकाला गया है दोस्तों, ठीक है, जो कि दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल दोस्तों ग्रुप सी का, ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, टोटल UR का 8 पोस्ट निकाला गया है, और दोस्तों OBC का 1 पोस्ट है, और SC के लिए 2 पोस्ट है, और दोस्तों ST के लिए 1 पोस्ट है, और दोस्तों EWF के लिए 1 पोस्ट है। टोटल कुल मिलाकर दोस्तों 13 पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये टोटल 13 पोस्ट निकाली गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बताया गया यहाँ पर भी जो क्लोजिंग डेट है, ये यहाँ पे इनकी वेबसाइट दी है दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ पे वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म जो है भरना होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना, इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर साफ आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट कोड यहाँ पर ये दिए हुए है 36/23, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, नेम ऑफ द पोस्ट सर्विलांस वर्कर का है दोस्तों, ठीक है, डिपार्टमेंट न्यू म्यूनसिपल काउंसिल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है पोस्ट का, 13 पोस्ट जो निकाली गई हैं, ठीक है, जिसका हमने आपको बता दिया, UR का 8 पोस्ट है, OBC का 1 है, SC का 2 है, और ST का दोस्तों 1 है, EWF का 1 है, टोटल 13 पोस्ट इस प्रकार से डिवीजन किया गया दोस्तों, ठीक है। इसका यहाँ पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास होना चाहिए, इसेंशियल है, मैट्रिक होना चाहिए आपका, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ दोस्तों, ठीक है। और आपका डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का या मलेरिया इंस्पेक्टर का फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से दोस्तों, ठीक है। डिजायरेबल है दोस्तों, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपसे नहीं मांगा है, तो एक्सपीरियंस भी इसमें आपसे कुछ नहीं मांगा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पे स्केल के बारे में बात की, तो इसका पे स्केल है दोस्तों 21,700 लेकर 69,100 रुपये है दोस्तों, लेवल 3 की आपकी जॉब होगी दोस्तों, ठीक है। और प्री रिवाइज्ड 5200 से 20,000 प्लस ग्रेड पे 2000 रुपये दोस्तों, ठीक है। ग्रुप सी का आपका ये पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सब कुछ डिटेल में दिए हुए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है जिस पोस्ट के सामने वो नोटिस है दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो आपका सब कुछ 15 सितंबर से पहले का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो अप्लाई करना है दोस्तों आपको DSSB की साइट पे जाके दोस्तों आपको भरना होगा दोस्तों, ठीक है, फॉर्म। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार करना है, इसके बाद आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो आप जो अप्लाई कर सकेंगे वो दोस्तों कब से कब कर सकेंगे, तो जो आप अप्लाई कर सकेंगे वो दोस्तों वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसको 17 अगस्त से भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कब तक भर सकते हैं दोस्तों, तो 15 सितंबर तक दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया था, 100 रुपये ओनली रखा गया दोस्तों। आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, तो एग्जामिनेशन जो है दोस्तों आपका यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 1 ईयर टीचिंग ईयर, नॉन टीचिंग के लिए, टेक्निकल और टीचिंग दोनों के लिए दोस्तों, ठीक है। पोस्ट कोड, ये इतनी पोस्ट कोड के लिए दोस्तों ये एग्जामिनेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन का सिलेबस है दोस्तों, तो आपका 36/23 आता है, तो आपका यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसके अंदर आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, तो टीयर 1 होगा, मतलब केवल 1 टीयर होगा दोस्तों, ठीक है, केवल 1 टीयर होगा। और टाइमिंग 2 आवर की रहेगी दोस्तों, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, टोटल मार्क्स 200 रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे टोटल 200 का आपका पूर्णांक रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सिलेबस यहाँ पे बताएगा, तो सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, आपको जो सेक्शन ए जो होगा MCQ होगा, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी दोस्तों, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेशन पूछा जाएगा, और इंग्लिश पूछा जाएगा, इंग्लिश के कंप्रेशन दोस्तों, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में क्या है, ए बी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए टोटल फॉर्म ऑफ का वो भी होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस आपका 20 मार्क्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी आपका 20 मार्क्स आएगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी ये भी आपका 20 मार्क्स का आएगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन ये भी आपका 20 मार्क्स का आएगा, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन ये भी आपका 20 मार्क्स का ही आएगा दोस्तों, ठीक है। ये सभी आपका 20-20 मार्क्स का आएगा, और सेक्शन भी 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका टोटल 200 पूर्णांक हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये अदर के लिए, अदर पोस्ट के लिए दिए, ठीक है, सिलेबस। और दोस्तों जो आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो आपका जो मतलब कि सेक्शन और सेक्शन भी दोनों से के मेरिट बेस पे होगा दोस्तों, ठीक है। दोनों का मेरिट बनेगा, ठीक है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सभी कुछ देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 36 पेज का PDF है दोस्तों। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। टोटल आपका 36 पेज का PDF है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको जो भी इंपॉर्टेंट था हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम देने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।